तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बात करेंगे फ्रैगमेंटेशन का। लास्ट क्लास में तुमको पढ़ाया गया बाइनरी फ्यूजन, मींस फ्यूजन के टाइप्स, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। आज हम लोग पढ़ेंगे द नेक्स्ट वन, फ्रैगमेंटेशन। हम लोग आज बात करेंगे फ्रैगमेंटेशन का। व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन? फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? देखो, तो ये एकदम सिंपल है। कैसे सिंपल है आप समझो। फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? सबको पता है फ्रैगमेंट का मतलब होता है पार्ट, टुकड़ा, खंड। ठीक है, अब इस फिलामेंट को देखो। सी दिस, ये स्पाइरो गायरा है। स्पाइरो गायरा फिलामेंटस एल्गी होता है ये। मान लो किसी वजह से पानी में रहता है ना ये, किसी वजह से, किसी कारण से ये टूट गया। मान लो इस पॉइंट पर टूट गया, यहां टूट गया, और सपोज इसके दो अलग अलग टुकड़े हो गए, टूट गए। ठीक है, तो ये दोनों जो टुकड़ा है, ये इसका फ्रैगमेंट हुआ, ये हो गया इसका फ्रैगमेंट हो गया। अब इसी फ्रैगमेंट से पूरे स्पाइरोगाइरा का डेवलपमेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। देखिए, अगर स्पाइरोगाइरा को देखोगे तो ये मल्टी सेलुलर है। स्पाइरोगाइरा इज मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर है। बट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेलुलर लेवल पे है। ठीक है, स्पाइरोगाइरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है ये। इस तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन कैसे होगा आप देखो। बॉडी जो है इसका, वो टूटेगा डिफरेंट पार्ट्स में। ओके, एंड द प्लांट बॉडी, द स्मॉलर प्लांट बॉडी ग्रो टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो ये आपको फिलामेंटस एल्गी में देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पाइरोगाइरा द प्लांट बॉडी ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट एंड ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। होता क्या है कि इसके जो सेल्स हैं, यहाँ जो आप सेल्स देख रहे हो स्क्रीन पे, इसके सेल्स क्या करेंगे? इसके सेल्स ग्रो करते हैं, सेल्स डिवाइड करेंगे। सेल्स डिवाइड करेगा, एक से दो, दो से चार, लाइक दैट, और ये फिलामेंट जो है लंबा होता चला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। सिंपल एकदम मेथड है ये। ठीक है, दूसरा एक और मेथड है जो रिप्रोडक्शन का है, दैट इज रीजनरेशन। अब पहले समझ लीजिए बात को, फिर हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे। देखो, आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है प्लेनेरिया। दिस इज प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया है। ठीक है ना, प्लेनेरिया इज दिस मेन बॉडी है, ये पेरेंटल बॉडी। अब देखो हुआ क्या है। इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मेनी पीसेस, ऐसा है कि ये जो इंडिविजुअल है किसी कारण से, देखो ये टूट चुका है इन थ्री डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, टूट गया, तो होगा क्या कि दीज पार्ट ग्रो टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। देखो ये पूरा नया इंडिविजुअल बन गया, समझ गए? तो हाइड्रा में भी देखो वही केस है। हाइड्रा में अगर आप देखोगे तो हाइड्रा का भी ये दो फ्रैगमेंट हो चुका है, किसी तरह से टूट गया है, और फिर ये टूटा हुआ हिस्सों से दो अलग अलग हाइड्रा का फॉर्मेशन है। तो सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। अब देखो, कोई बोलेगा कि तो फ्रैगमेंटेशन में भी तो यही हुआ था। मान लो कोई क्वेश्चन पूछ दे डिफरेंस बिटवीन, अगर कोई तुमसे सवाल ही पूछ दे डिफरेंस क्या हुआ, फ्रैगमेंटेशन में भी तो यही चीज हुआ था। फ्रैगमेंटेशन
एंड रीजनरेशन। अगर मान लो कि ऐसा कोई सवाल आ गया, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे रीजनरेशन और इसमें क्या डिफरेंस है, इस पे आप कैसे बोलोगे? क्योंकि दोनों में तो देख रहे हैं कि ये तो फ्रैगमेंट जैसा ही दिख रहा है और फ्रैगमेंट से ही पूरा बना है, तो जब फ्रैगमेंट से ही पूरा बन गया तो फिर ये रीजनरेशन क्यों है? अब थोड़ा गौर से देखना होगा। मैं जरा पूरा इंक हटा लूं इस पे से। देखो नाउ सी, पूरा अब ध्यान से देखना। देखो अगर इस प्लानेरिया को देखो, इसके ये डिफरेंट पार्ट्स हो गए। देखिए ईच पार्ट हैज प्रिपेयर और रिपेयर इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट। सिर्फ वही किया है, जितना हिस्सा उसका लॉस्ट है बॉडी का, बस उसी को बनाया है, और जैसे ही बना वो नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो एक्चुअली आप देख रहे हो कि इट इज रिपेयरिंग टाइप, यहां रिपेयरिंग का ही काम हो रहा है, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस वन ओनली न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं। एक ये फर्क है। दूसरा फर्क है, फ्रैगमेंटेशन किसी स्पेसिफिक सेल में नहीं होता, बट रीजनरेशन ऑलवेज अकर्स इन स्पेशलाइज सेल्स, और वो सेल्स ही प्रोलिफरेट करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाएंगे, इस तरह का काम होगा। और ये भी जो होगा, आप समझो रीजनरेशन से भी रिप्रोडक्शन सिंपल ऑर्गेनिज्म में ही होता है, सिंपल। अब आपसे पूछा जाएगा सवाल, सवाल ये पूछा जा सकता है Why regeneration and fragmentation occurs in organism like planaria and hydra or spirogyra, इस तरह से पूछा जाएगा। तो आपको कहना है कि it is only due to level of organization. Level of organization इसका cellular level पे है, so it is easy to add the number of cells by simple division. डिवीजन करके नए नए सेल्स बना लेंगे और अपना लॉस्ट पार्ट पूरा कर लेंगे। दिस इज द रीजन व्हाई रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन अकर्स इन सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी पढ़िएगा, इट इज रिटन देयर, उसमें लिखा है, आप पढ़िएगा उसको, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया। अब आगे, नाउ सी The next method of asexual reproduction is budding. Budding means reproduction through bud formation. Bud formation के जरिए अगर reproduction हो रहा है, this is called budding. तो hydra जैसे organism में ये process होता है. Organism such as hydra use regenerative cell for रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। होगा उसमें ये हाइड्रा में ए बर्ड डेवलप। आप देखो यहाँ स्क्रीन पे, आप डायग्राम देखो तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यू कैन सी द बर्ड, ठीक है, ये बर्ड है। अब बर्ड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन एट वन स्पेसिफिक साइट। देखिए यहाँ से आउटग्रोथ निकलना शुरू हुआ, अब बार बार इसमें डिवीजन होगा, रिपीटेड सेल डिवीजन होगा। ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन व्हाट हैपेंड, ये जो है ये धीरे धीरे बर्ड बड़ा होगा एंड टेक्स द मिनिएचर फॉर्म ऑफ हाइड्रा। ये जो है छोटा हाइड्रा के रूप में कन्वर्ट हो गया, मिनिएचर फॉर्म ऑफ हाइड्रा के फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, दिस मिनिएचर फॉर्म ऑफ हाइड्रा और दिस मिनी हाइड्रा व्हेन डिटैच फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। अब इसका तो ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, जैसे ही ये वाला चीज इससे टूट कर अलग होगा, इट बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो इस तरीके से हाइड्रा में बडिंग होगा, ठीक है। ईस्ट में भी होता है, ईस्ट में अगर देखेंगे, यही आप लोग देख लें, ईस्ट में भी संभव है। आप ईस्ट बना लो, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर आप बना लेते हैं, ईस्ट हो जाता है।
अब ईस्ट में भी ये स्मॉल आउटग्रोथ आएगा, दैट इज कॉल्ड बर्ड. बर्ड में भी सिंगल और बर्ड में भी चेन. ओके, तो ये बर्ड्स हैं. अब व्हेन दीज बर्ड्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म दे डेवलप एज न्यू इंडिविजुअल. तो हाइड्रा में, ईस्ट में आपका बर्डिंग के जरिए रिप्रोडक्शन का काम होगा. हाइड्रा और ईस्ट इज द एग्जाम्पल वेयर रिप्रोडक्शन अकर्स बाई बर्डिंग. बहुत ही सिंपल है. और अगेन तुम यहाँ देख रहे हो कि इसका भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल ही है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे ही ये चीजें हैं. ठीक है, अब आगे, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे. आज के क्लास में ये पूरा हम लोग एसेक्सुअल पढ़ लेंगे और फिर अगले वाले क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट शुरू करने वाले हैं. तो नेक्स्ट मेथड देखें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उस पे बात करो. देखो, प्लांट के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं. आपको पता है प्लांट्स आर हैविंग रूट्स. प्लांट्स के अंदर आपको मिलता है स्टेम. प्लांट के अंदर आपको मिलता है लीव्स. ठीक है, फ्लावर्स हैं जिससे बाद में फ्रूट्स बनेगा. फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं. रूट, स्टेम एंड लीव, दे आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट. ये प्लांट का वेजिटेटिव हिस्सा है. ठीक है, अब बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, तो आप ऐसे कहिए, इफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट अकर्स बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना, न्यू प्लांट फॉर्म होगा. न्यू प्लांट फॉर्म फ्रॉम कहां से, फ्रॉम यहां ऊपर लिख देता हूं, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट. वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से पूरा जो डेवलपमेंट हो रहा है नए पौधे का, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग इसको वीपी कह दें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरीके का है. वन इज द नेचुरल वे, प्रकृति में ये खुद से होगा, मैन का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं. और दूसरा जो होगा दैट इज द आर्टिफिशियल वन, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, जो इंसान करते हैं, है ना, ह्यूमन बींग इसको करेगा. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस बाय ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू प्लांट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर. एग्जिस्टिंग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का मतलब है कि पहले से जो रूट मिल रहा है, स्टेम मिल रहा है, लीफ मिल रहा है, इससे नए पौधे बनाएंगे. कुछ एग्जाम्पल्स अभी आपको बताने वाले हैं. इसे एक पोटैटो का होगा, स्वीट पोटैटो हो सकता है, कैरोट हो सकता है, इन्हीं पे हम लोग बात करेंगे. सी, पहले हम लोग देखें ट्यूबर ऑफ पोटैटो. दिस इज द पोटैटो, ये आलू है, पोटैटो. ठीक है, आपको पता है इट इज अ स्टेम. ये स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम. ये फूल के गोल लगभग हो गया है ड्यू टू अ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. अब इसमें देखो, अब आलू के अंदर आप देखोगे तो जहां आई लिखा है, अब आलू है ना, ऐसे कैसा भी डिजाइन का बना लो, हर तरह का होता है ये, तो ऐसे जो गड्ढे दिखाई देते हैं, एक्चुअली हम लोग इसको नॉर्मल भाषा में आई ही बोल देते हैं, बायोलॉजी में भी बोलेंगे, बट टेक्निकली ये एक्चुअली नोड है. एक्चुअली इट इज नोड एंड इट इज हैविंग बर्ड्स. इसके अंदर बर्ड्स होते हैं, समझ में आया. और ये जब बर्ड जर्मिनेट करेगा, व्हेन दीज बर्ड्स, मान लो कि यहाँ बर्ड्स हैं, दीज बर्ड जर्मिनेट, दे विल फॉर्म, ऐसे रूट बनाएगा और फिर इसकी पत्तियां होती आएंगी और पूरा पौधा तैयार हो जाएगा. यानी ईच आई ऑफ ए पोटैटो कैन गिव राइज टू ए न्यू पोटैटो प्लांट. किसान को जब आलू लगाना होता है तो यही करते हैं. किसान क्या करते हैं, आलू लिया, बड़ा साइज का है तो आधा काट दिया, छोटे साइज का है तो पूरा लगा दिया, और लगा के मिट्टी में डाल दिया, तो काट के भी लगा सकते हैं. तो ये जो नोड्स हैं जिसमें बर्ड्स हैं, वहीं से ये जड़े आ जाएंगी, बस आराम से पौधा ग्रो करेगा. तो फार्मर यूटिलाइज दिस कैपेबिलिटी ऑफ पोटैटोज टू ग्रो पोटैटो मोर क्विकली.
अगर आप इसको सीड से लगाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप आलू से ही लगा लें इट इज पॉसिबल। देखो यू कैन सी हियर जर्मिनेटिंग आई बड, यहाँ से देखो अंकुर निकल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब बरसात का सीजन था आपके घर में, जब आलू आता होगा तो रखे रखे देखना उसे हल्का क्रीमिस वाइट टाइप का अंकुर निकलता है, जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है। छोड़ दोगे तो धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन पोटैटो ट्यूबर से नए पौधे बन जाते हैं, क्योंकि उसके नोड पे आपको बर्ड मिलता है। तो ये तो हो गया इसमें। कैरेट भी एक एग्जांपल, यू कैन सी द कैरेट, ये कैरेट है ना। तो कैरेट में भी अगर आप इसको आप डिटेल देखें, इसका थोड़ा इनलार्ज करके ऐसे देखें, तो कैरेट के अंदर भी तो रूट है, कैरेट इज रूट, ठीक है ना। और यहाँ इसका डिस्क लाइक, ये इसका रिड्यूस स्टेम है और इस पे नोड्स होते हैं, ठीक है। बाकी इस पे रूट हेयर्स तो है ही। जब आप इसको मिट्टी में लगा दोगे तो यहाँ जो बर्ड्स मौजूद हैं, दीज बर्ड्स जर्मिनेट टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ लीव्स, उस पे लीव्स निकलना शुरू हो जाएगा। तो इन दिस वे न्यू प्लांट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग दिस कैरेट। तो कैरेट वाले में कैरेट है या स्वीट पोटैटो, इसमें भी होगा, तो बस वही करना है। कैरेट लीजिए, लेना है, मिट्टी में लगा दीजिए, उसका जो बर्ड्स उसमें मौजूद है दैट ग्रो टू फॉर्मिंग स्वीट पोटैटो। शक्करकंद में भी वही है ना, कैरेट स्वीट पोटैटो दे आर रूट्स, ये सब फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुआ है, बट दे आर हैविंग कैपेबिलिटी टू गिव राइज न्यू प्लांट्स, क्योंकि इसके अंदर नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, स्केली लीव्स हैं, बर्ड्स हैं। तो जब बर्ड्स इसके जर्मिनेट करेंगे तो फिर जा करके एक कैरेट से नया, देखो ये कैरेट मान लो है, कॉनिकल रूट होता है ये इसका रिड्यूस्ड स्टेम है, हैविंग नोड्स इंटरनोड्स विद बर्ड एंड दीज बर्ड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट। ये रूट है तो रूट हेयर तो इसमें रहेगा लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूट से और स्टेम से। एक और एग्जांपल आपको लेना है ब्रायोफाइलम का। ये जो आप देख रहे हो ये ब्रायोफाइलम की पत्तियां हैं, ब्रायोफाइलम की पत्तियां देख रहे हो, ये जो अंदर धंसा हुआ है इनसीजन, नॉच कह सकते हैं इसको, ठीक है। एंड दिस नॉच इज हैविंग बर्ड्स, इसके अंदर बर्ड्स होते हैं। अब मान लो कि इस लीफ को मिट्टी के अंदर डाला तो क्या होगा, दीज बर्ड्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग, जैसे यहां दिख रहा है बर्ड्स जो है जर्मिनेट करना शुरू हो गया। अब ये जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो ये टूट के निकल जाएगा और एक नए पौधे के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो जिस जगह ब्रायोफाइलम का पौधा देखोगे वहां पर बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक एक पत्ती से कई कई प्लांट्स मतलब ग्रो कर जाते हैं। तो आपने देखा एग्जाम्पल रूट से ग्रोथ का, स्टेम से नए प्लांट बनने का, लीव से नए प्लांट बनने का आपने देखा। ये सब तो थे नेचुरल वे। अब हम लोग कुछ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे बात करेंगे। आर्टिफिशियल, इंसानों ने क्या किया है, मैन हैन यूज्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू ग्रो मेनी प्लांट्स। किसानों को उससे फायदा हो गया, या जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो भी कम समय में पौधे को ग्रो कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज ऑल्सो हेल्प्ड इन डेवलपिंग मेनी न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ऐसे कर करके, ग्राफ्टिंग कर करके तो कई प्लांट को जोड़ के एक प्लांट बनाया जा रहा है। तो ये मेथड आजकल है। अब इसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं, हम इन सभी को आपको समझाएंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कटिंग का। कटिंग में क्या करते हैं समझिए, जैसे मान लो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल रोज है। तो आपने क्या किया है, आपके फ्रेंड के घर आप गए, उसका गुलाब उसने अपने गार्डन में लगाया है, आपको अच्छा लगा, तो आप करते क्या है कि भाई इसका एक टहनी दे दो, क्योंकि आपने सुन रखा है कि गुलाब टहनी से लग जाता है। तो इसके एक टहनी लेते हैं जिसमें कुछ नोड्स इंटरनोड्स होते हैं। नोड इंटरनोड आपको समझ में आता होगा, जो गांठें दिख रही है वो नोड है और दो नोड के बीच में
जो डिस्टेंस होता है दिस वन इज, ये इंटरनोड कहलाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है नीचे के क्लासेस में, ये इंटरनोड है, ठीक है, राइट। तो कटिंग का मतलब क्या है? कटिंग का मतलब यही है, ए पार्ट ऑफ अ स्टेम। कटिंग क्या है? जब बात करेंगे कटिंग का, तो कटिंग का मतलब ही होता है ए पार्ट ऑफ अ स्टेम या ट्वीग, कुछ भी, अपना एक टहनी का टुकड़ा ले लिया, स्टेम का टुकड़ा ले लिया, हैविंग फ्यू नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब देखो, अब ये जो नोड है, दिस नोड इज हैविंग बर्ड्स। अब इस नोड पे बर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब आप इसको गीली मिट्टी में लगा दो, तो जब आप मिट्टी में लगाओगे, मान लो कि इसको आपने मिट्टी में लगा दिया, ये यहाँ अंदर सॉइल है, यहाँ पर मिट्टी में लगा दिया, तो जिस ट्विग को लगाएंगे ये कभी नहीं बढ़ता, ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। इस नोड से, नोड, ये नोड यहाँ जो दिख रहा है ना, इस नोड से जो है बर्ड जर्मिनेट करेंगे और नया पौधा आना शुरू होगा। ये ओरिजिनल जो आपने लगाया था टहनी ट्विग, ये नहीं बढ़ता, अब ये बर्ड जर्मिनेट करेगा। सो दिस बर्ड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू रूट एंड शूट। तो ये कटिंग कहते हैं। मैंगो, गुआवा, लीची, लेमन, रोज, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक और चीज देखो, इस लेयरिंग को देखो, इस फोटो को देखो, इसमें क्या किया गया है, ये मान लो ग्राउंड है, यहाँ एक पौधा ये मिट्टी में अपना लगा हुआ है, इसका ये टहनी है। अब क्या करना है कि इसमें जो फ्लेक्सिबल ब्रांच होता है उसको नीचे की ओर दबाना है, मिट्टी की ओर, तो जितना दब जाए उसको मिट्टी से कवर कर दो, यानी सम पार्ट इज कवर्ड बाय सॉइल। अब इस एरिया में भी आपको नोड इंटर नोड मिलते हैं, नोड है, नोड है तो इसमें बर्ड्स भी हैं, और ये बर्ड जब जर्मिनेट करेगा दे कैन फॉर्म रूट एंड दे कैन फॉर्म सूट। तो जब ये डेवलप हो जाए तो इधर से कटिंग लगाओ, फिर इसको उठा के कहीं भी गार्डन में आप लगा दो। सो दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। तो लेयरिंग में क्या करेंगे, द स्टेम ऑफ ए प्लांट इज बेंट डाउन अंटिल इट टचेस द सॉइल, द स्टेम इज देन कट वंस, इट डेवलप रूट एंड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। तो ऐसे करके आपका काम हो जाएगा, लेमन में, रोज में, जैस्मिन में आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट तुमको हम बताएं, अगला जो है ग्राफ्टिंग है। तो ग्राफ्टिंग में क्या करना है, देखो ग्राफ्टिंग जो है मेथड जो हमारा ये वाला, तो ग्राफ्टिंग में क्या करना है कि आपको एक मजबूत सा हेल्दी स्टॉक लेना है, इसको स्टॉक बोलेंगे, रूटेड प्लांट ये होगा, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे कि इस पर किसी दूसरे प्लांट को जोड़ सकते हो, दूसरे प्लांट को इसके ऊपर फिक्स कर सकते हो। मान लो कि हमको ये वाला जो प्लांट है इसको इस पे फिक्स करना है, ठीक है। सपोज ये स्टॉक हमने ले लिया है मैंगो का, ठीक है ना, और इस पे हमको लेमन फिक्स करना है, पॉसिबल है, जुड़ जाएगा। करना क्या है, यू हैव टू मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री कट, जैसा इस पे कट लगाओगे वैसा इस पे कट लगाओ, और दोनों को नजदीक ले आके ऐसे बांध दो, और उसके बाद आता है ग्राफ्टिंग वैक्स आता है, वो लगा करके और बांध दीजिए, थोड़े समय में जुड़ जाएगा। नाउ इट इज नाउ दिस प्लांट इज हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ मैंगो एंड लेमन। अब मैंगो वाले एरिया से जो ब्रांच निकलेगा या जो भी इससे निकलेगा उसके अंदर मैंगो फलेगा, और जो लेमन वाले एरिया से आएगा उसके अंदर लेमन होगा, याद रखना इसको। ये हम लोग सिर्फ कर सकते हैं डाइकोट प्लांट में। कभी कभी बच्चा पूछता है कि ये जो स्टॉक है और ये जो आपने ग्राफ्ट किया, सियोन बोलते हैं इसको, क्या दोनों की मोटाई एक जैसी होनी चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ये ले लिया स्टॉक, अगर मान लो कि थोड़ा नैरो है तो नैरो वाले को भी इसे ऐसे प्रिक करके अंदर अंदर होल करके डाल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, ये काम करेगा, ठीक है। तो यू हैव टू ज्वाइन टू प्लांट्स टुगेदर, दो प्लांट्स को आपस में आपको जोड़ना है, ठीक है, बस आराम से हो जाएगा। एयर लेयरिंग में देखिए क्या होगा, देखिए ये था लेयरिंग इन द सॉइल, इसमें लेयर होने लगाया था मिट्टी के अंदर, ये एयर लेयरिंग है, लेकिन सॉइल में तो हो गया,
एयर लेयरिंग में क्या होगा, अब देखो ये एयर लेयरिंग है तो एयर लेयरिंग में क्या कर रहे हैं, ये मान लो कि प्लांट है इसका ये ब्रांच, अब यही लेयरिंग कर देंगे ना, ये नोड है इस पे, तो करना क्या है, एक स्लैंटिंग कट इज मेड इन द स्टेम एंड केप्ट सेपरेट विथ ए ट्यूबिंग। तो वैसे भी आप कर सकते हैं है ना, और नहीं तो एक और तरीका है, इसके बार्क को आप रिमूव कर दीजिए यहाँ से साइड से, और फिर मिट्टी विट्टी वो सब लगा के इसको बढ़िया से बांध दो, है ना, बस हो गया। अब उसमें समय लगेगा, ज्यादा वक्त लगता है, फिर यहाँ अपने आप ये जड़ें निकलने लगेंगी, निकलेंगी जड़ें तो नीचे से यहां से काट के कहीं जाके लगा दीजिए। तो दिस इज एयर लेयरिंग। तो मेथड आपका है, आप अपना मेथड अपना सकते हैं, ठीक है, और उस मेथड के जरिए आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो ये चार अलग अलग मेथड हो गए, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को आप दूसरा बुक में देखोगे तो गुट्टी भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज गुट्टी, है ना, तो ये भी आप कर सकते हैं, मेथड है। आगे बढ़े, अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। इसको जरा मैं हटा दूं इंक पूरा। आगे जो हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर्स बनने का मेथड प्लांट्स वाइज वैरी करेगा, ठीक है, प्लांट्स वाइज वैरी करता है, ठीक है। हम आपको बताते हैं ब्रेड मोल्ड जो है, ब्रेड मोल्ड, कभी ब्रेड पर फंगस लग जाए तो क्या होगा, हम ब्रेड मोल्ड पे बात करेंगे। ब्रेड मोल्ड को हम लोग राइजोपस कहते हैं, ब्रेड मोल्ड इज राइजोपस, राइट। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो उलझे धागे जैसा होता है, राइजोपस का जो प्लांट बॉडी होगा, दैट प्लांट बॉडी इज लाइक दिस, इसको माइसेलियम बोलते हैं, द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड माइसेलियम, ठीक है, एंड ईच थ्रेड इज कॉल्ड हाइफा, है ना, थ्रेड को हाइफा बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके एक एक थ्रेड को हाइफा बोलेंगे, अब क्या होता है वो आप समझो, ये दूसरे प्लांट का, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, एट द टाइम ऑफ अ स्पोर फॉर्मेशन व्हाट हैपेंस, ये थोड़ा हम अलग से तुमको दिखाएं, देखो देखो ये दिस इज द माइसेलियम, ये माइसेलियम है। स्पोर फॉर्मेशन जब भी होगा तो फेवरेबल कंडीशन में होगा, व्हेन द टेम्परेचर इज गुड, मॉइस्चर इज रिच, फूड इज अवेलेबल, तभी होगा। तब उस परिस्थिति में क्या होगा, सेवरल हाइफा ग्रो वर्टिकली, ये हाइफा ऐसे वर्टिकली ग्रो करना शुरू करेगा, ठीक है, ऐसे, एंड द टिप ऑफ ईच हाइफा बिकम स्वॉलन, दिस स्वॉलन एंड इज कॉल्ड, ये स्वॉलन एंड अस्पोरेंजियम कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अस्पोरेंजियम, and this stalk like structure is called a sporangiophore, इसको sporangiophore बोलेंगे। और जो spores बनेंगे वो बनेंगे यहाँ inside a sporangium, इसका nucleus है, बार बार divide करेगा, multiple nucleus बनाया, each nucleus surround itself with cytoplasm, cell wall, plasma membrane, तो वो स्पोर में कन्वर्ट कर जाता है, दैट कन्वर्ट इनटू अ स्पोर। और फाइनली क्या होगा, व्हेन दिस स्पोरेंजियम रप्चर्ड, तो सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे, जब ये रप्चर्ड हुआ, फटा स्पोरेंजियम, स्पोर्स कम आउट, ये सारे स्पोर्स बाहर आ गए हैं, एंड व्हेन दे गेट सुटेबल होस्ट, अगर इनको इसका सुटेबल होस्ट मिल गया तो फिर ये जर्मिनेट करेंगे एंड दे विल फॉर्म न्यू प्लांट बॉडी। तो ये एक मेथड है स्पोर द्वारा रिप्रोडक्शन का। तो अलग अलग प्लांट्स के अंदर स्पोर बनने का जो मेथड होता है वो अलग अलग, क्योंकि स्पोर्स भी कई तरह के बनते हैं, तो हमने एक एग्जांपल आपको बताया, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था कि जो एयर स्पोर बना, दे लैंड ऑन फूड सॉइल और अंडर फेवरेबल कंडीशन, they germinate and produce new individuals।
तो कई ऐसे फंगस हैं, जैसे आपको अभी राइजोपस का बताया, म्यूकस है, इन सब में यही होता है। बैक्टीरिया है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे फर्न है, मॉस है, उसमें भी स्पोर बनेगा। मेथड इज डिफरेंट बट स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन। अब थोड़ा एडवांटेज देख लें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे क्या हैं। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे क्या हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये है कि ये सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, तो अदर पर डिपेंडेंसी नहीं है, यानी मेल को फीमेल पर डिपेंड नहीं होना है, फीमेल को मेल पर डिपेंड नहीं होना है। द ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट रिप्रोडक्शन बिकॉज अ सिंगल पेरेंट इज नीडेड। दूसरा है कि फास्ट है, इट टेक्स लेस टाइम देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हेंस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड इन शॉर्टर पीरियड। अब इसी में देखो ना, कितने सारे स्पोर्स बन गए, और सभी स्पोर अगर जनरेट करके जिंदा रह गए तो पौधे कितने हो जाएंगे, तो बहुत कम समय में ज्यादा संख्या में ये हो जाता है। एक और है, द ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट, यानी जब क्लोन्स का मतलब आपको लास्ट डे ही बताए हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल, इसमें वेरिएशन रेयर है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, वेरिएशन इज रेयर। तो ये एक तरीका है। अब ड्रॉबैक भी है, ड्रॉबैक है कि चूंकि सिंगल पेरेंट है तो इसमें वेरिएशन नहीं होता, और वेरिएशन इज रिक्वायर्ड, आपको पहले ही पढ़ा है, वेरिएशन चाहिए, वेरिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। गुड कैरेक्टर्स आने चाहिए ताकि ऑर्गेनिज्म अपने आप को बदलते हुए परिस्थितियों में भी, सिचुएशन में भी खुद को एडजस्ट कर सके, फॉर दैट वेरिएशन इज रिक्वायर्ड। तो इसमें हो नहीं पाता, वेरिएशन इज वेरी रेयर, अगर हुआ भी तो पर्यावरण के प्रभाव से होगा, एनवायरमेंटल इफेक्ट से होगा, अदरवाइज ऐसे होना नहीं है। अच्छा, अमीबा, अमीबा में देखोगे, अमीबा में क्या है, अमीबा डिवाइड कर गया, दो ठो बन गया, तो इस केस में क्या होगा, अमीबा खत्म। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन सिंपल ऑर्गेनिज्म द पेरेंट जनरेशन सीजेस टू एग्जिस्ट आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से देखो, बायोडाइवर्सिटी तो कभी नहीं मिलेगा, और हेल्दी इकोसिस्टम के लिए बायोडाइवर्सिटी इज मस्ट। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, समझ गए। तो बस आज इतना ही, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें फूल का, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और बाकी उससे डिटेल पढ़ेंगे। बस आज की क्लास में इतना ही।